Hello students, in this lecture we discuss transpose of a matrix. जदों असी किसी मैट्रिक्स के रोज़ के कॉलम नू इंटरचेंज कर देते हैं उसनू ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है 1, 3, 5, 2, 4 and 6 दो रोज़ आ एंड 3 कॉलम आ. जो असी इसकी रोज़ नू कॉलम दे विच चेंज कर देते हैं एंड कॉलम नू रोज़ दे विच उसनू बोलिया जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. असी ए मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज कर रहे हैं. फस्ट रो नू असी कॉलम विच चेंज कर रहे हैं 1, 3 and 5. असी फस्ट रो नू कॉलम दे विच टिक दिता. हुण सैकेंड रो नू असी कॉलम विच चेंज करेंगे 2, 4 and 6. ये बन गया साढ़े को 3 × 2 दैट मीनस 3 रो एंड 2 कॉलम. चलो असी रो नू कॉलम एंड कॉलम नू रो विच चेंज कर दें उसनू बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3 एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, 5, 3, 1 एंड सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4, 4, 3 and 1. शो दैट ए बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज. पहले असी लैफ्ट हैंड साइड नू सॉल्व करेंगे ए ते बी नू मल्टीप्लाई करेंगे ए ते बी मैट्रिक्स नू. ए मैट्रिक्स इज 1, 2, 2 and 3 बी मैट्रिक्स. हुण असी ए ते बी मैट्रिक्स नू मल्टीप्लाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1 एंड रो 2 कॉलम 2. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 + 2 × 3. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 5 + 2 × 1. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 + 3 × 3 2 × 5 + 3 × 1 इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 2 + 6 5 + 2 4 + 9 10 + 3. ए बी मैट्रिक्स बनेगा साढ़े को 8, 7, 13 and 13. हुण असी ए बी मैट्रिक्स नू सी मैट्रिक्स के नाल मल्टीप्लाई करांगे. ए बी सी इज इक्वल टू ए बी मैट्रिक्स ये गया साढ़े को 8, 13, 7 and 13. सी मैट्रिक्स जो कि सानू गिवन सी 4, 4, 3 and 1. असी ए बी मैट्रिक्स नू सी मैट्रिक्स के नाल मल्टीप्लाई करांगे. फस्ट रो फस्ट कॉलम 8 × 4 + फस्ट रो फस्ट कॉलम 8 × 4 = 7 × 4. 8 × 3 = 7 × 1. नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 13 × 4 = 13 × 4. सेकंड रो सेकंड कॉलम 13 × 3 + 13 × 1. नाउ सॉल्विंग दिस वैल्यू आएगी 32 + 28 + 24 + 7 + 52 + 52 = 39 + 3.
ए बी सी मैट्रिक्स बनेगा साढ़े को 60, 31, 104 and 52 दैट इज़ फस्ट इक्वेशन सबनों समेशन करते साढ़े को ए बी सी मैट्रिक्स बन जाएगा। हूँ असी अगर इसका करेंगे ट्रांसपोज इज इक्वल टू सॉरी रो नू कॉलम में चेंज करेंगे 60, 31, 104 and 52 दैट इज फस्ट इक्वेशन। नाउ ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स ही साढ़े को 1, 2, 2 and 3 बी मैट्रिक्स ही 2, 5, 3, 1 and 6, 4, 4, 3, 1 हुण असीं पहला सारिया का ट्रांसपोज कर लाँगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो नू कॉलम में चेंज करेंगे 1, 2, 2 and 3 बी ट्रांसपोज 2, 5, 3, 1 सी ट्रांसपोज 4, 3, 4 and 1 हुण असीं पहला मल्टीप्लाई करेंगे सी ट्रांसपोज नू बी ट्रांसपोज ना इक्वेशन दे अकॉर्डिंग सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज की वैल्यू ए रही 4, 3, 4, 1 मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज 2, 5, 3, 1 मल्टीप्लाई करांगे 1st row, 1st column, 4 multiply 2 plus 4 multiply 5 1st row, 2nd column, 4 multiply 3 plus 4 multiply 1 Now 2nd row, 1st column, 3 multiply 2, 1 multiply 5 2nd column, 3 multiply 3 plus 1 multiply 1 8 plus 20, 12 plus, sorry, 1st row, 1st column, 4 multiply 1, 4, 6 plus 5, 9 plus 1 सी ट्रांसपोज एंड पी ट्रांसपोज की जी वैल्यू आएगी वो आएगी 28, 16, 11 and 10 नाउ सी ट्रांसपोज मल्टी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज हुण असीं सी बी ट्रांसपोज की जिहड़ी वैल्यू उहनूं ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स के नाल मल्टीप्लाई करेंगे 28, 11, 16 and 10 मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए लवेंगे 1, 2, 2 and 3 हुण इसनूं मल्टीप्लाई करांगे रो 1, रो 2, कॉलम 1 and कॉलम 2 1st row, 1st column, 28 multiply 1, 16 multiply 2 1st row, 2nd column, 28 multiply 2 plus 16 multiply 3 2nd row, 1st column, 11 multiply 1 plus 10 multiply 2 2nd row, 2nd column, 11 multiply 2 plus 10 multiply 3 28 plus 32, 56, 48, 11 plus 20
22 plus 30. वैल्यू आएगी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांस नू मल्टीप्लाई करके 60, 31, 104 and 52. दैट मीन्स ए बी सी ट्रांसपोज दैट इज सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज. दोनों मैट्रिक्स में सॉल्व करें तो जी वैल्यू आई है दोनों मैट्रिक्स की वो कि सेम आई है इक्वल आई एक दूसरे.